बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू कोरोना से हटकर है। ये मौजू 850 साल पहले की पेशन गोई के बारे में है जो हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली ने की थी। नाज़रीन, हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली 1330 में शाम में पैदा हुए थे। ये एक फ़ारसी शायर और सूफ़ी थे। नाज़रीन, इनकी हर पेशन गोइयाँ बिल्कुल सही हुई हैं और इन्होंने 850 साल पहले कहा था कि हिंदुस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, और वो 1947 में हुआ जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान इलैदा इलैदा रियासतें बन गईं। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली ने 1965 की जंग की पेशन गोई भी की थी जो कि 17 दिनों तक चलेगी और मुसलमान उसमें फतह याब होंगे। इन्होंने एक और पेशन गोई की थी जिसमें इन्होंने 1971 की जंग के बारे में कहा था कि इसमें बहुत तबाही होगी, और नाज़रीन इसमें वाकई पाकिस्तान की बड़ी तबाही हुई थी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भी खो दिया था। नाज़रीन, ये तो पेशन गोइयाँ थीं जो पूरी हो चुकी हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आने वाले वक्त की हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली ने क्या क्या पेशन गोइयाँ की हैं। इन्होंने एक पेशन गोई की है कि पाकिस्तान को एक जंगजू लीडर मिलेगा जिसके दौर में एक जंग होगी और वह जंग फैसला कुन होगी। इस जंग में पाकिस्तान खोए हुए इलाके दोबारा फतह करेगा। नाज़रीन, ये पेशन गोई हमें कश्मीर की तरफ देखने पर मजबूर करती है। इनकी एक और पेशन गोई है जिसमें इन्होंने कहा है कि मंगोल हमारी मदद को आएंगे, और आज हम ये देख रहे हैं कि कैसे चाइना पाकिस्तान की मदद कर रहा है। अल्लाह इस मुल्क का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।